किसान आंदोलन को शुरू हुए 20 दिन हो चुके हैं। इस बीच कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से यह तय कर दिया गया है कि इस मुद्दे पर सरकार अब बिल्कुल नहीं झुकेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी साफ कर दिया है कि सरकार ने अपनी ओर से कृषि कानून से संबंधित संशोधित प्रस्ताव किसानों को भेज दिया है। अब जो भी निर्णय लेना है वह किसानों को तय करना होगा। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने कृषि कानून को लेकर प्लान बी पर भी अमल करना शुरू कर दिया है। ऐसे किसानों संगठनों से सरकार मिल रही है जो केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से देश के अलग अलग किसान संगठनों की एक ऐसी लिस्ट बनाई जा रही है जो सरकार के पक्ष में है। केंद्र सरकार इन किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात कर रही है। केंद्र सरकार का मानना है कि बेशक कई किसान धरने पर हैं, लेकिन देश में ऐसे किसान संगठन भी हैं जो केंद्र सरकार के कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उत्तराखंड के किसान नेताओं से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी मुलाकात की। इस बैठक में उनके साथ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद थे। सोमवार को दक्षिण भारत के कई किसान संगठनों से मुलाकात की गई। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में ऐसे संगठनों से ज्यादा बात की जाए। सरकार की ओर से नए कृषि कानून को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से कैंपेन चलाने को कहा गया है। इसके तहत कई तरह के वीडियो क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर किसानों को समझाया जा सके। केंद्रीय मंत्रियों से किसानों के मुद्दे पर बात करने को कहा गया है। इसमें इस तथ्य को प्रमुखता रखने को कहा गया है कि किसी भी सूरत में नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय विधायकों को भी किसानों के मुद्दे पर लोगों से बात करने को कहा गया है।